हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका पंकज शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गोरनसान। देखते रहिए, बने रहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखते हैं आज क्या क्या होता है। अभी फिलहाल सब कुछ लोग नहा धो लिए हैं। शिवांशु देव अभी नहीं नहाए हैं, मगर कुरला कर लिया, पेस्ट कर लिया और वो कर रहे हैं नाश्ता। मैंने कर लिया है, भावना ने कर लिया, दीदी लोगों ने कर लिया, मम्मी कर ली पूजा। तो मैं जा रहा हूँ अपनी शॉप पर, मेरे फ़ोन आ रहे हैं अर्जेंट, मैं पहुँच रहा हूँ और फिर मिलेंगे। फिर आज शायद दीदी लोग जाएंगे, 3-4 बजे एक बार आऊँगा इन्हें छोड़ने, फिर चौक से बिठाऊँगा और देखते हैं कैसे होता है। फिलहाल तो मैं शॉप पे जा रहा हूँ। प्रोग्राम ये है, ये देख लीजिए, एक सीन आपको दिखा देते गाइस। भांजी है सृष्टि शर्मा, वो ऑनलाइन क्लासेस भी देती है फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज की। वो 1 to 12th क्लास को इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ाती है और सिखाती है। आप उससे सीख सकते हैं 1 to 12th ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। और CBSE अवेलेबल ग्रुप जो भी हैं आप सीख सकते हैं उनसे। बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छा सिखाती हैं, बहुत अच्छा बताती हैं। PhD भी लेवल पे जा रहे हैं वो करने, तो आप उनसे सीख सकते हैं। आप देखिए, ये साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा क्लासेस का। उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जा रहा है, आप इसे डिस्प्ले पे देख सकते हैं और इनसे क्लासेस लें, आगे बढ़ें, इंजॉय करें लाइफ को, फ्रेंच सीखें, इंग्लिश सीखें। ठीक है गाइज, देखते रहिए और इनसे सीखें। ये देखिए मम्मा जी कर रहे हैं पूजा पाठ अपना और शिवांश कर रहा नाश्ता और भावना भी पराठे बना रही है फिलहाल मम्मी के और बच्चों के। मेरे को और दीदी ने अपने बना के खिला दिए थे खुद ही, क्योंकि इसकी तबीयत ढीली थी हमने की। और भाई ये है देव, ये करे एग्ज़ाम की तैयारी, इसका कल एग्ज़ाम है और मैं चलता हूँ। तो ये है सीन, दीदी लोग हैं बाहर, आ गया हूँ मैं, चलता हूँ और दीदी लोग वहाँ घूम रही हैं गोला को लेके। अभी दिखाता हूँ आपको, वो देखो वो जा रहे गोला, काको दीदी, अनु दीदी, वो तीनों घूम रही है। छोटा वो जा रहा हमारी दीदियों के साथ, दोनों के साथ मस्ती बना रहा है। ये रहा घूम रहा है, ये रहा, ये देखो ये पर, ये रहे तीनों, ये घूम रहे बिल्कुल। गाइस मैं स्कूटी पे चल तो पड़ा हूँ और मेरे को लगा कि अब नॉर्मली है मौसम, खुला तो नहीं है, सूरज तो नहीं आया, मेरे को लगा ज़्यादा ठंड नहीं होगी, पर बहुत भयंकर ठंड है। मैं तो एक जैकेट एक टी शर्ट पहन के चल दिया, ना नीचे स्वेटर पहनी ना मोटी जैकेट ली, और मैं तो बहुत ठंड लग रही है इस पर। बाइक और स्कूटी पे तो बहुत ठंड, गाड़ी में तो गर्मी लगेगी मगर इस पर तो बहुत ठंड है। मैं तो आ गया था मस्ती से कि चलो, मगर ऐसा है नहीं यार, अब तो थोड़ी दूर है, चलते हैं दुकान पर तो पहुँचते फिर आएंगे। दीदी लोगों को छोड़ना, बीच में आना पड़ेगा, तब देखता हूँ चेंज करेंगे। चलो चले आ जाओ जी गाइस। फिलहाल तो मैं आ गया अपनी मार्केट, अभी खोलते हैं शॉप, फिर देखते हैं काम वाम, देखते हैं थोड़ी देर, देखते हैं फिर 3, 3:30 या 4 बजे के खेलने जाऊँगा। इसको बात करके फोन पे उन्हें बैठा के आऊँगा, छोड़ के आऊँगा सेफली, अच्छे से बैठ के अच्छे से जाएँ, पहुँचे और इन्जॉय करें। और हम झुकते रहें हमेशा ऐसे ही एक दूसरे से, फ़ोन पे भी और आने जाने में काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी बातचीत करी, बैठे, पुरानी पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं, कुछ बोला के साथ खेले हैं, मस्ती मारी है, उन्होंने मज़े किए हैं और बस ऐसे टाइम निकल गया। 2 दिन तो पता ही नहीं लगते, तो शाम को तो आए थे वो परसों, पता ही नहीं लगे टाइम, ऐसे निकल जाता है फटाफट। चलो क्या कोई बात नहीं, जो भी है जो भी समय निकला अच्छा निकला, अच्छा निकलता रहे सबका। अभी खोलते हैं शॉप, बैठते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, ये रहा मनीष कुमार जो बहुत दिनों से मिसिंग था, मेरी वीडियोज़ में देखने को नहीं मिल रहा था, आज देखिए इसे, ये रहा, ये बीच में इधर उधर भी रहा है, बीमार भी रहा है, मगर ठीक है, फिट है, ठीक है। चलो अब हम खोल रहे हैं शटर। गाइस घर से दीदी लोगों का फ़ोन आ गया है, वो खाना खा रहे हैं, वो कह रहे हैं आ जाए 10-15 मिनट में और उन्हें जाना है, फिर उन्हें बिठा के आता हूँ मैं परिचय के 10 मिनट में, क्योंकि वो सीधी बस सीधी मेट्रो पर उतारेगी, सीधा ऊपर जाके मेट्रो पकड़ के वो इजीली जा सकते हैं। क्योंकि आज संडे का दिन, अगर मैं वहाँ जाऊँगा लंबा पड़ेगा, एक तो मुझे आना जाना, फिर टाइम संडे का दिन है, कस्टमर थोड़े बहुत कोई आ ही जाते हैं संडे वनडे में, तो मैं उन्हें बिठाता हूँ यहाँ से सेफली परी चौक से बिठा के, और दीदी को बाय करते हैं, फिर कहते हैं जल्दी आओ, जल्दी मिलो, और हम भी कोशिश करेंगे जाने की। तो चलते हैं, बस निकलता हूँ मैं शॉप बढ़ा के, पहुँचते हैं घर, दीदी लोगों को बिठाते हैं सेफली और पहुँचाते हैं, ठीक है। चलिए आप भी देखिएगा मेरे साथ, चलिए गाइस मैं आ गया हूँ घर, अब छोड़ते हैं दीदी को, चलते हैं अंदर। तैयारी हो गई पूरी, पैकिंग हो गई है, बस अब हम चलने की कर रहे हैं तैयारी जल्दी से। और गोला भी उठ गया, सो रहा था, ये आ गया देखो उठ के आवाज से मेरी। चलो ले जाऊंगे, हो गया पैक,
चलो ठीक है, टैक्सी लेके चलते हैं। गाइस मैं जा रहा हूँ छोड़ने, बस बाहर निकलने वाले, मैं आ गया हूँ, गाड़ी में सामान रख लिया है। वो जैसे आते हैं बाहर फटाफट चलते हैं उन्हें छोड़ के, मैं सीधा शॉप पे पहुँचता हूँ अपनी, ठीक है। चलो जी आओ, जी आओ आओ, चले फटाफट। चलो गाइस आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ जाओ, स्वागत है आपका, हेलो कर दो सबको एक बार। चलो लाओ जी, हेलो कर दो सबको। चलो गाइस दीदी जा रही हैं, दीदी को बिठा के आता हूँ मैं फटाफट, फिर शॉप पे पहुँचते हैं। अच्छा मम्मी आ रहा हूँ मैं, क्या आ गया हूँ परी चौक पे, और दीदी लोग को वहाँ बिठा दिया, वहाँ सामने बस खड़ी है, वहाँ पे पूरी येलो कलर की बस में, वो सीधी मेट्रो उतारेगी, वहाँ से चली जाएंगी दीदी सेफली। बस इस बस में बिठा दिया मैंने, नंबर ये है बस का, ये बैठी हुई दीदी को बिठाए हूँ, दोनों दीदी को सेफली परी चौक बस में। अब मैं आ गया हूँ अपनी मार्केट में, खोल शॉप से आ गया हूँ और शाबड़ा के पहुँच गया हूँ मैं अपने सेक्टर में। मेरे लॉक किसने लगाया हुआ है, लॉक है, दरवाजा खोलो। ये देखो गाइस, इसको देखो कैसे फुदा करा है, मटक करा, फुदा करा है, डांस दिखा रहा है। अभी तक अंदर बंद कर रखा था, पकड़ रखा था, बाहर निकला भी कमरे से। इसको बुखार भी हो गया था, बुखार की दवाई भी दी थी मेरे आने से पहले ही दी थी, 5 मिनट पहले। तो क्या खा रहा है, पनीर, ये पनीर खा रहे हैं बाबू जी हमारे शिवांश, और डांस दिखा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, और देव का पेपर है, देव अभी पढ़ रहा है, सुबह पेपर है। मम्मा बिग बॉस देख रही है, बिग बॉस भावना कुछ बना रही है, पुलाव वगैरह कुछ बढ़िया सा। ये रहा, क्या बना रही हो भाई, अच्छा हाँ बेटा, ये घूम रहा लड्डू हुई हुई। मेरी बहनें पहुंच चुकी हैं सेफली है अर्जुन नगर, फोन पे बात हो गई थी भावना की, वो पहुंच गई है, और देखो बस क्या होता है, क्या करते हैं पा 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 पा। गाइस बस अब खाएंगे खाना, खाना रेडी है एकदम, पुलाव मस्त वाले बन चुके हैं, उस पर धनिया भुरक के खाएंगे। मैं गया था गोला की दवाई लेने, अभी बाहर से होकर आया हूँ, गोला की दवाई डेल्टा से लेके आया हूँ, खांसी की, जुकाम की, उसको ये प्रॉब्लम, और रात को भी दवाई देनी पड़ेगी, बुखार भी हो गया था आज तो है कॉम्प्लिकेशन, ठंड है, कल एकदम गर्मी हो गई थी, आज एकदम फिर से ठंड बढ़ गई, बहुत हवा है बाहर, बहुत ठंडक है, तो ये चक्कर है। बस हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे, रजाई में बैठ ही रहे, बिग बॉस देख रहे हैं, फाइनल आ चुके हैं सलमान खान जी, तो देखते हैं फिर ख़त्म करते हैं, और सुबह उठ के फिर अपने काम पे लग जाएंगे। देव का पेपर है, देव उस कमरे में पढ़ रहा है, हम इस कमरे में टीवी देख रहे हैं इधर, और देव पढ़ रहा है उधर, हम देख रहे हैं इधर। वांच की आंखों में डल रही है दवाई, गुलाब जल, मम्मा डाल रही है, शिव की मम्मा, गुलाब जल उसकी आंखों में, आंखें बहुत मसल रहा है, तो उसकी आंखों में गुलाब जल डाला जा रहा है, और गट्टू भी घूम रहा है। चलो गोया को भी डाल दो, गोया भी डलवाएगा। मम्मा सोने की तैयारी है क्या, देव भी डलवा रहा है, वेरी गुड, सबके डाल दो, मैं भी डलवा लेता हूँ, हाँ अच्छे रहते हैं। चलो भाई अब बस यही है सब, यही है, सबने खाना खा लिया, पुलाव बने थे बड़े ही शानदार, मैं स्पेशल जाके धनिया लेके आया, अरे धनिया होता ना वो नहीं था, वो लेके आया मैं पास से जाके, वो डाला उसमें आलू प्याज मटर गोभी, क्या मस्त पुलाव बना था, मज़ा आ गया खाने में। वो सबने खा लिया, अपने अपने बिस्तरों में चले गए सब, और पनीर की सब्जी भी थी दिन की, मगर वो मैंने खाई, मम्मा ने ली, मैंने 2 रोटी चावलों से खाई, मम्मा ने 1 रोटी पनीर के साथ और चावल, मतलब ऐसे करके जैसे भी था, अपनी अपनी सेटिंग कर ली है सबने, इसमें क्या एक एक करके बताऊँ मैं आपको, तो ये है मेन, सबने खा लिया है, सब अपने अपने बिस्तरों में, हम देख रहे हैं बिग बॉस फाइनल, और ये देव की हो रही पढ़ाई, और पढ़ाई करने के लिए आके यहाँ पे सोएगा ड्राइंग रूम में यहाँ पे, मगर अभी कर रहा है वो वहाँ पढ़ाई, तो एक साइड का टीवी हम कर देते हैं बंद, तू पढ़ ले, कल पेपर है इसका लास्ट, उसका फाइनल तो होंगे मार्च में या फरवरी एंड में,
तो ये है। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने, तो अब से करते हैं गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और फुल वीडियो वॉच करते रहिए। जैसे प्यार बनाए रखा है वैसे बनाए रखिए। जय हिंद, कल मिलेंगे फिर नई उमंग, नई तरंग, नई जोश के साथ। जो होगा सब दिखाएंगे, जो भी होगा सबका सब दिखाएंगे, सब बताएंगे, आगे चलते रहेंगे। देखते रहिए गोला इंसान, बने रहिए मेरे साथ। आपके